अभी महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इसके साथ ही कई प्रदेशों के उपचुनाव भी संपन्न हुए। आज परिणाम आया है आप सबके सामने। तो मैं तो देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया, आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अब हमारे ऊपर जवाबदारी बड़ी है, हम जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जो राजस्थान और भारत सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है उनको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। जहां तक आप पूछना चाहेंगे राजस्थान के उपचुनावों की, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को आम जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया और यही कारण है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिला। हम एक सीट 84 वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका अभिवादन करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछली बार हम जहाँ पर लगभग 70,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे, इस बार हम केवल 23,000 और कुछ वोटों से पीछे रह गए। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहाँ पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। आप पूछ रहे हैं दौसा में रिकाउंटिंग हो रही है, आपका इशारा मैं समझ गया था। अभी वहाँ पुनर्मतगणना हो रही है, जो भी परिणाम सामने आएगा हम जनादेश को स्वीकार करेंगे। इसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने भी समय समय पर हमें जागरूक किया, हमें सावधान किया। और वैसे तो मीडिया का यह दायित्व भी बनता है कि सबकी खबर ले और सबको खबर दे, तो इस तर्ज पर आपने भी अपना दायित्व निभाया। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमेशा हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें और हम जन सेवा करते रहें, ये आप सबका हम आशीर्वाद चाहेंगे। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी और अपनी भूमिका जो निभाना चाहिए, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं और चौथे स्तंभ का जो दायित्व होता है वो आपने भी निभाया और उसमें आपने भी बहुत संघर्ष भी किया, कई कष्ट भी झेले। वैसे हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अपने कार्यक्रम संपन्न हों और देश के विकास, राजस्थान के विकास में हम सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा उपचुनाव में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की साथी काम आ गई या सरकार के काम? देखिए प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी नहीं होता, मैं आपसे बहुत साफ कहूं, प्रदेश अध्यक्ष अकेला कुछ भी नहीं होता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सत्य बात है कि वो एक कार्यकर्ता से उठ करके आए, एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रदेश के महामंत्री रहे और प्रत्येक क्षेत्र से वो वाकिफ रहे। किस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है ये उनको जानकारी है, इसलिए मैं ये सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी भूमिका जो पार्टी उम्मीद करती थी उस उम्मीद के अनुरूप उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। हमारे महिला विंग हो, युवा विंग हो, SC ST मोर्चा हो या पार्टी का मूल
जो संगठन है सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सही कह रहे हैं कि लगभग दो दशक से अधिक समय निकल गया। हम वो सीट एक बार जीते, लेकिन देखिए ये परिवार की जो बात होती है ना, केवल केवल और केवल सीमित कर देना वहीं तक, और दूसरा उन्होंने कोई विकास नहीं किया वहाँ पर। वहाँ पर समाज को तोड़ने का काम किया था, इसलिए वो आप वहाँ अपने झुंझुनू की सीट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कोई जनहित का काम नहीं किया। और वहाँ हमने काम किया तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। वैसे दौसा को अभी मत जोड़िए, रिकाउंटिंग चल रही है, उसका परिणाम आने दो, उसके बाद ही अपन दौसा के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि किसी को भी बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो एक धमकी इस प्रकार की दे देना कि देवली उनियारा में मैं होता तो एसडीएम को एक की जगह चार थप्पड़ मारता, ये दम्भ दिखाता है और बाहुबली का और एक संकेत देता है। राजनीति में बाहुबली या भुजाओं के बल पर जो कोई दूसरे को परास्त करना चाहता है, ये कुश्ती का मैदान नहीं है। यहाँ नीतिगत निर्णय होते हैं, नीतियों से युद्ध होता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है। अधिक सेवा करने का यदि कोई कंपटीशन करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मारता अधिक मारता ये बात कह देना, मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। उनको जनता ने सबक सिखाया। देखिए वहाँ हमने बहुत काम किया और बहुत काम किया, उसी का परिणाम है कि अभी हम केवल और केवल 23,000 से पिछड़े। पिछली बार हम 74,000 से पिछड़े थे। कोई बात नहीं, हम और सेवा करेंगे और अधिक सेवा करेंगे, उस इलाके में भी अपना वजूद कायम करेंगे और हम वो फिर से चुनाव जीतेंगे। देखिए हम तो जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमारी बात में तो बहुत साफ बात है कि हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि सेवक को अवसर देते हैं, लेकिन बाकी तो मठाधीश बन करके बैठे हुए थे। दौसा में हमने देखिए कई बार सवर्ण को भी टिकट दिए, लेकिन चुनाव चुनाव होता है और चुनाव में जन अपेक्षा हम पता कर लेते हैं पहले, और पहले हम भी गए इलाके में, हमने दौरे किए। चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा से पहले हम लोग गए थे, हमारे प्रभारी जी भी साथ में थे, हमारी उस समय की सह प्रभारी भी हमारे साथ थी। प्रत्येक क्षेत्र में हमने जाकर के और जनता से चर्चा की, कार्यकर्ताओं से राय मशविरा किया, उसके बाद ही हमने मैदान में उम्मीदवार उतारा है। कोई जाति के आधार पर नहीं उतारा, परिवार के आधार पर नहीं उतारा, और हमें आशीर्वाद मिला है। अब ये उनका किसके प्रति था, अब उनको किससे उम्मीद थी, ये तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम इस विषय पर, और मैं कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ हमारा संगठन पूरा सक्रिय था। तो अब मैं धन्यवाद दूँ क्या, आप क्या पूछना चाहते हो? परिणाम आपके सामने है, पूरे देश का परिणाम आपके सामने है।
एक मिनट अच्छा विक्ट्री से अपन सब करो भाई मातरम बीजेपी जिंदाबाद 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 मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी की बात करूंगा, सरकार वाले सरकार की बात करेंगे, मैं संगठन की बात करूंगा, मैं खीर से की राह विकास की होगी, विकास के नाम पर हम काम करेंगे और विकास करेंगे, बढ़ चढ़ के विकास करेंगे। धन्यवाद। अरे भारत माता की। राजेंद्र सिंह ने अपन मूछ वाला जो बयान दिया था उसकी वजह से मैं हारा हूँ। देखिए मैं तो एक मिनट रुको भैया, देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोई भी राजनेता भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा नहीं करे, ठीक है ना, प्रतिज्ञा करना कोई ठीक नहीं है, काम करो, काम ठीक ही है। और अच्छी बात है ना, मेरे जैसे नेता उनके पास है तो ठीक है, सुधर जाएंगे वो।